डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम क्लास गैस्ट्रोपोडा के अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोपोड्स इनके अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो गैस्ट्रोपोड्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है यानी इसके अंदर ब्लड जो है दैट इज नॉट इनक्लोज इन साइड द ब्लड वेसल्स तो इसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मली ब्लड जो है दिस विल बी थ्रोन इन टू द स्पेसिस जिसको हम कहेंगे साइनसिज साइनसिज आर टिश्यू स्पेसिस के एक दफ़ा ब्लड जो है वो वेजल से आएगा तो इन साइनसिज के अंदर ही डायरेक्ट चला जाएगा रादर देन सर्कुलेटिंग इन साइड द आर्टरीज एंड वेन्स फिर मोलस जो हैं इनके अंदर एक टिपिकल हार्ट प्रेजेंट है और ये हार्ट जो है इसका देर इज़ अ सिंगल हार्ट और इसमें मस्कुलर वेंट्रिकल और टू ऑरिकल्स जो है वो मौजूद है इसी इंटरनल स्ट्रक्चर से आप इसका हार्ट देखें गेस्ट्रोपोर्ट्स के हार्ट में ये देखें वेंट्रिकल और टू ऑरिकल देर इज सिंगल हार्ट प्रेजेंट इन साइड द बॉडी ऑफ ए गैस्ट्रोपोर्ट और ज़्यादातर गैस्ट्रोपोर्ट जो हैं नॉर्मली दे हैव दे हैव लॉस्ट वन मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ औरिकल्स और वो किस वजह से लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ड्यूरिंग टॉर्शन जब क्वलिंग का प्रोसेस होगा उस वजह से एक हार्ट का औरल्स जो है वो गायब हो जाएगा इसके अलावा इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रेंट्स वेस्ट एंड गैसेस जो मुलस का ब्लड है दैट आल्सो एक्ट्स एज एन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन उन एनिमल्स में ज़्यादा कॉमन होता है जो कि वाटर के अंदर रहेंगे फिर हाइड्रोलिक स्केलेटन हाइड्रोलिक स्केलेटन नॉर्मली कंसिस ऑफ ब्लड कन्फाइंड टू टिश्यू स्पेस फॉर स्पोर्ट फिर मुलस जो हैं दे विल यूज देअर हाइड्रोलिक स्केलेटन टू एक्सटेंड बॉडी स्ट्रक्चर बाई कंट्रेक्टिंग मसल्स डिस्टेंट फ्राम दी एक्सटेंडिंग सरफेस फॉर एक्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जो स्नेल की बॉडी के अंदर टेंटेकल्स मौजूद हैं टेंटेकल्स हेड रिजन में है और हेड रिजन में टेंटेकल्स के टिप्स के ऊपर सेंसरी सेल्स मौजूद हैं अब अगर इन टेंटिकल्स को टच किया जाए तो क्या हो जा इन टेंटिकल्स के जो मसल्स होंगे वो रिट्रैक्ट करेंगे रिट्रैक्ट करने से एनिमल जो है वो अपनी बॉडी को शेल के अंदर विड्रॉ कर लेगा और सिर्फ हमें ऐसे लगेगा जैसे ये शेल पड़ा हुआ है इस तरह से एनिमल्स आ, की बॉडी डेंजर से अपने आप को बचा सकती है इसके अलावा नो एंटागोनास्टिक मसल्स आर प्रेजेंट स्नेल्स जो है स्नेल आपको पता है बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल है स्नेल अपने टेंटिकल्स को एक्सटेंड कर देता है डिस्टेंट मसल्स तक ताकि ये ब्लड को स्क्वीज करे टेंटिकल्स के अंदर फिर नर्वस सिस्टम जो है प्रिमिटिव गैस प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोर्ट्स भी जो वो गैस्ट्रोपोड जो कि बहुत पहले मौजूद थे उनका नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर गेंगलियॉन्स हैं गेंगलियनस आर बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेड रीजन में प्रेजेंट हैं फुट में प्रेजेंट हैं विजरल मास में प्रेजेंट फिर प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोर्ड्स में टॉर्शन का प्रोसेस है टॉर्शन के प्रोसेस की वजह से जो गैंग नर्व्स हैं दे लिंक विद दिस गेंगलियॉन और जब एवोल्यूशन होगी गैस्ट्रोपोर्ड्स की तो नर्वस सिस्टम से ये नर्व्स की अनट्विस्टिंग होगी अन से किया होगा कि जो लार्जर गेंगलियॉन्स हैं स्पेशली ये हेड रीजन में आ जाएंगे और गैस्ट्रोपोड्स जो हैं दे आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर आइस मौजूद है आइस कहाँ पर होंगी एट द बेस ऑफ द आर एट द एंड ऑफ द टेंटिकल्स आइस जो हैं वो सिंपल है सिंगल है फिर इसमें प्रोटोनफ है लेंस है आई का कॉर्निया है और आइज जो हैं दे विल एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर यानी ये रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगी और देखने में काम आएंगी स्टेटोसिस प्रेजेंट हैं फुट में ऑस्फेरीडिया जो कि कीमो रिसेप्टर्स हैं वो इसकी मेंटल की एंटीरियर वाल में मौजूद है और दे हेल्प इन द इन करंट वाटर कैनाल्स। फिर एस्फेरीडिया जो हैं प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ये हेल्प करती हैं प्रे को डिटेक्ट करने में फिर प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोर्ट जो थे दे वर हैविंग नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया और जो मॉडर्न स्पीशीज हैं इनके अंदर भी दो नेफ्रीडियम है राइट एंड लेफ्ट जो राइट नेफ्रीडियम है नॉर्मली दिस हैज़ डिसअपीर्ड किस वजह से टॉर्शन की वजह से और क्वाइलिंग की वजह फिर नेफ्रीडियम में एक सेक लाइक -like स्ट्रक्चर है विच इज़ हाईली फोल्डेड एंड इट इज कनेक्टिड विद द पेरी कार्डियल कैटी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं नॉर्मली बॉडी फ्लूड से एक्सक्रीटरी वेस्ट एंटर हो जाएंगे यहाँ से ये सिलोम में चले जाएंगे और नेफ्रीडियम जो है दिस विल थ्रो दैम आउट विद द एक्सकरेंट वाटर नेफ्रीडियम भी मैंटल कैटी में ओपन करेंगे एक्वेटिक गेस्ट्रोपोर्स जो हैं इनके अंदर जो नॉर्मली वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अमोनिया और अमोनिया जो है दिस इज़ ड्यूटेड विद द वाटर एंटरिंग द बॉडी फिर टेरेस्ट्रियल जो हैं इनके अंदर गेस्ट्रोपोड में अमोनिया इज कन्वर्टिड इन टू लेस टॉक्सिक मटीरियल जिसको हम कहेंगे यूरिक एसिड बिकॉज यूरिक एसिड इज़ डेटिवली इनसोलेबल इन वाटर लेस एसिड और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज को बहुत कम पानी चाहिए होता है इनको अलिमिनेट करने के लिए तो ये एक बुनियादी फ़र्क है उन गेस्ट्रोपोर्स में जो पानी में रहेंगे और उनके अंदर जो कि टेरिस्टियल एनवायरनमेंट में रहेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट से ही हम इनकी बॉडी अडेप्टशन को गैस कर सकते हैं